गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम टॉपिक शुरू किया हुआ है, हमने इंग्लिश के अंदर किया था जैसे टेंस, तो आज हम हिंदी के अंदर वही करने जा रहे हैं जिसका हिंदी में हम जिसको कहते हैं काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो हमें पता है कि काल किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा और डीपली जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक काल। यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें से हम कुछ छांटते हैं। एक बार देखो, तुम कहाँ गए थे? यहाँ मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, गए थे। मैं काम कर रहा था। काम कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? कर रहे हो। मैं हिंदी का कार्य कर रहा हूं। वह खेलने जाएगा। तो इन रेखांकित शब्द जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, गए थे, रहा था, रहे थे, ठीक है, रहा हूं, जाएगा, इन वाक्यों से हमें काम के समय का पता लग रहा है कि कौन सा काम किस समय में हुआ था, या कौन सा काम चल रहा है, या कौन सा जो हमारा कार्य है वह पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं काल की जो परिभाषा है, क्या कह सकते हैं, कि जिन क्रिया शब्दों से हमें किसी भी काम के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब अपना कॉपी पेन उठाइए और इसको लिख लीजिए। तो हम यहां देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन क्रिया शब्दों से, क्रिया मतलब वर्ब, जिन क्रिया शब्दों से कार्य के यानी कोई भी हमारा एक्शन है उसके होने से समय का पता चले, यानी कि हमें उसकी टाइमिंग का पता चले कि वह किस समय में हुआ है, अभी हुआ है, या पहले हो गया था, या आगे होगा, तो उससे हमें किस चीज का पता चल रहा है, काल का। समझ में आ गया इतना? जिस प्रकार हमने इंग्लिश में किया था, टेंस किया था, और उसमें हमने टेंस के जो प्रकार किए थे वो तीन प्रकार किए थे, आपको याद है ना? हाँ, कौन कौन से थे? हाँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार हिंदी में भी हमारे तीन काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्यत काल है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर एक पे है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, अब हम बात करें वर्तमान काल की, जिसको प्रेजेंट भी हम कहते हैं इंग्लिश में। वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम अभी वर्तमान में, यानी कि इसी समय बोलते समय या लिखते समय जो काम होता है वह हम क्या बोलेंगे उसको? वर्तमान काल। ठीक है, जो काम बीत चुका है, जैसे कल हमने वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी, वो बीत चुका है कल का समय, तो यह किस उसमें आएगा? भूतकाल के अंदर आएगा। जैसे कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो यह हमारा भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर का जो टेंस हो जाता है। क्लियर है इतना? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यत काल। तो जो हमारे टेंस यानी कि इंग्लिश में है उनकी जो टाइप है वही हमारी हिंदी में भी है, तीन, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। आइए हम इनके उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहला हम वर्तमान का वाक्य देख लेते हैं। मैंने पानी पिया है। क्या है? मैंने पानी पिया है। वह सो रही है, यानी कि अभी भी सो रही है। तो हम इनकी जैसे पहचान देख रहे हैं कि अभी जो मैंने है पानी पिया है, वह सो रही है, यानी कि वर्तमान में यह काम हो रहा है, वर्तमान में काम यह हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसको? वर्तमान के वाक्य, यानी कि प्रेजेंट के वाक्य है ये, प्रेजेंट सेंटेंस है। आगे अगर हम देखें भूतकाल के जो वाक्य है, राम ने खाना खाया। वे सो चुके थे, जब मैं वहां गया तो वे सो चुके थे। तो यह बात जो है
बीत चुकी है, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, और वह सो चुके थे। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वह कौन से टेंस के अंदर आते हैं, कौन से काल के अंदर आते हैं, भूतकाल के अंदर। अब यहां वाक्य देखेंगे हम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो कब का वाक्य है यह, है वाक्य हम बोल रहे हैं कल के लिए, यानी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम इसको बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो यह भविष्य काल के अंदर आता है। हम खेत देखने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, ठीक है ना, हम पहले कभी गए थे, हम जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में हम जाएंगे, ठीक है। हम एक और वाक्य ले लेते हैं, उसी को हम तीनों में कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू, यानी कि अभी वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप वीडियो देख रहे हैं, ये वर्तमान है, ठीक है। कल हमने पिछला पाठ पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ा था, यानी कि वह कंप्लीट हो चुका है, वो भूतकाल की बात हो चुकी है। आगे है जो, कल हम इससे अगला पाठ, यानी कि इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे वो, आज नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान में है, जो कल हमने पढ़ा था वो पीछे था, जो हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि किस किस प्रकार हम इसको प्रयोग करते हैं, और मैंने ये आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है, पढ़ूंगा मैं और आप इसको नोट करेंगे, और जो इसका उत्तर है, यानी कि जो इसके आंसर बनेंगे, यानी कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, या यह भूतकाल का वाक्य है, या यह भविष्य काल का वाक्य है, आपने इन सेंटेंस के पीछे लिख देना है। मैं आपको एक एक सिर्फ एक सेंटेंस करवा के दिखाऊंगा, एक वाक्य करूंगा, बाकी के जो बचे हुए हैं वो आप खुद करेंगे, और आप देखेंगे कि हम जो दिन में वाक्य यूज करते हैं वो किस प्रकार के वाक्य हैं, वो सब आप नोट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अब एक दो तीन चार पांच हमने यहाँ वाक्य लिए हैं, इनमें से मैं एक सोल्व कर रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे हम अंतिम वाक्य ही ले लेते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि पक्षी जो है उड़ रहे हैं, ठीक है, अभी भी वो है उड़ रहे हैं, तो हमें क्रिया शब्दों से पता लग रहा है कि उड़ रहे हैं, यानी कि अभी उनका काम चल रहा है। तो किस प्रकार के वाक्य हैं, हम इनके पीछे लिखेंगे वर्तमान, क्या लिखेंगे, वर्तमान काल, यानी कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, प्रेजेंट का वाक्य है। तो ये इस प्रकार की एक्सरसाइज है, आप और भी बहुत सारे कुछ शब्द सेंटेंस लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने बताना है कि यह किस प्रकार के वाक्य हैं। रवि ने बादाम खा लिए, पहला वाक्य क्या है, रवि ने बादाम खा लिए। वह हर रोज स्कूल जाती है, वह हर रोज स्कूल जाती है। अब हम पाठ पढ़ेंगे, अब हम पाठ पढ़ेंगे। कल हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था, कल हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था, ठीक है। तो ये चार वाक्य हैं, इसका आपने बताना है, और ऐसे 10 वाक्य लिखने हैं, और जो वर्तमान के हैं और भूतकाल के हैं और भविष्यकाल के हैं, और उनको लिख के आपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे डाल देना है, ठीक है। साफ साफ हैंड राइटिंग आपने लिखनी है, और जो पिछली वीडियो थी उसमें आपका ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो अगले टॉपिक के लिए हम कल मिलते हैं, कल यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।